लद्दाख दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। अपने दौरे के अंतिम दिन कारगिल में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है, खासकर जब मैं पैंगोंग त्सो झील पर था, जहाँ साफ पता चल रहा था कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है और प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की बैठक में कहा कि लद्दाख की एक इंच जमीन किसी ने नहीं ली है, ये एक झूठ है। दरअसल गलवान की घटना के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक में दावा किया था कि हमारी एक इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों की स्थिति को लेकर कहा कि ये प्रदेश बेरोजगारी का एपिसेंटर बन गया है, संचार का सिस्टम सही नहीं है, एयरपोर्ट है लेकिन हवाई जहाज नहीं आते, यहाँ सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बीजेपी के लोग आपकी जमीन आपसे लेना चाहते हैं, अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं और उसका फायदा आपको नहीं देना चाहते, हम ये कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कारगिल दौरे में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके अब श्रीनगर पहुंच गए हैं। ये उनका निजी दौरा है, वो हाउस बोट और होटल में दो दिन बिताएंगे। शनिवार को सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है, इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई। चीन का दावा है कि भारत ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि चीन की तरफ से कई महीनों से बायलेटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से अनौपचारिक थी। मोदी जिनपिंग के बीच ये बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले हुई थी। कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी और जिनपिंग ने हाथ भी मिलाया था। बाद में फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेता लद्दाख में सैन्य तैनाती कम करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने फॉरेन सेक्रेटरी के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल किया है कि क्या ये फैसला चीन की शर्तों पर लिया गया, भारत की उस पोजीशन का क्या हुआ जिसमें हम अप्रैल 2020 के पहले वाले स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे, इसे बदलने पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, क्या एलएसी पर सिर्फ सैनिकों की संख्या कम करने पर बात हुई या चीन से पुरानी स्थिति बहाल करने की बात कही, अगर चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे तो फिर भारत की जमीन पर चीन का अस्थायी कब्जा हो जाएगा। मनीष तिवारी ने G20 समिट का नाम लिए बगैर कहा कि हम ऐसे इंसान की मेजबानी करेंगे जिसने हमारे इलाके को हथिया लिया है। दरअसल अगले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर अक्टूबर में सुनवाई तय की है। कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि लालू यादव मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा ना ले और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर दे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद से ही विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हुई हैं। लालू की कोशिश से ही विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है और विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अब बीजेपी को भी डर लग रहा है। लालू यादव के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू ने 42 महीने जेल में काटे हैं, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी थी। वहीं इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी चीफ को बेवजह सीबीआई परेशान कर रही है, केंद्र में बैठे लोग सभी को परेशान कर रहे हैं।